यार अब एक क्वेश्चन है, डिस्काउंट अलाउड वाला जो क्वेश्चन था। पहली बात तो क्या कुछ ही दो तीन बच्चों ने सही किया है, उनके नाम बोल रहा हूँ यार। आपकी चॉकलेट है अक्षत, गुरप्रीत, सिद्धि, अर्चित, पाखी और शिवांशी का आपकी हाफ चॉकलेट है, डन। रेस्ट सबकी पूरी पूरी चॉकलेट है, आपकी आपकी बेटा हाफ चॉकलेट है, ठीक है। रेस्ट बाकी सबके हल्के हल्के रॉन्ग रॉन्ग थे, कुछ लोगों ने अच्छा ट्राई किया, चलो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार। कहता है डिस्काउंट अलाउड 2000 शोन, इसको समझने के दो सेंस हैं। पहली बात, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, आपने वो एक्सपेंस नहीं दिखाया। अब अगर खर्चा नहीं दिखाया तो प्रॉफिट 2000 से आपका इंक्रीज हो जाएगा। उल्टा आपने उसको इनकम दिखा दी, डिस्काउंट रिसीव, इनकम 2000 से और आपकी बढ़ गई, तो अल्टीमेटली कुल इम्पैक्ट प्रॉफिट पे कितना आ गया आपका, 4000 से प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया। मैंने ऐसे ही आर्टिफिशियली एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया अपने आप, कुछ भी फिगर एज्यूम करी। मैंने जीपी लिखा 1 लाख अपने आप ही, डिस्काउंट अलाउड लिखा 2000, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 98। ये तब होता जब सब कुछ सही सही होता। मैंने क्या किया, जीपी 1 लाख रखा, डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव कर दिया, कितना आ गया आपका 2000। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 1,02,000। तो पहले नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था 98, अब कितना आ रहा है 1,02,000। तो प्रॉफिट 4000 से हमारा बढ़ गया बेटा, ठीक है। तो 98, तो या तो आप ये सोच लो कि आपने पहले एक्सपेंस नहीं दिखाया तो प्रॉफिट 2000 से बढ़ गया, उल्टा आपने इनकम दिखा दी तो 4000 से बढ़ गया, या फिर ऐसे करके PNL अपने एग्जाम में एज्यूम करते हुए आप बना सकते हो। तो दिस फॉर मी वॉज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, तो इन बच्चों ने सही किया, पर काफ़ी लोगों का गलत भी था, पर अच्छा ट्राई किया आप लोगों ने, डन। ओके, कुछ नहीं होता, रॉन्ग भी हुआ है, बस उसके कॉन्सेप्ट पे जाओ, डन। नेक्स्ट।